हुआ था बता दी मम्मी इधर मुझे बाराबंकी का सबसे हैंडसम लड़का मुझे पसंद है कहते कि पढ़ लो तो पढ़ना ही तुम लोगों को स्क्रिप्ट इधर क्या चल रहा है पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं फिर आप लोगों को समझ में आएगा। चल ये रहा है कि टीम में सबसे जो कमजोर आदमी है उसको सबसे तेज बताया जाता है पढ़ने में। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग एक तरीके से कहें कि व्लॉग कम BTS ज्यादा है क्योंकि हम लोग की नई शॉर्ट फिल्म की शुरुआत हो रही है। शॉर्ट फिल्म का नाम है हौसला और मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। ये व्लॉग तब आएगा जब हमारी मूवी रिलीज़ हो जाएगी तो अभी हम लोग मतलब रेडी हो रहे हैं सारा टीम जितना है सबको रेडी होकर जाएंगे लोकेशन पे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग शूट करते हैं। मतलब आज हम लोग 4:30 बजे उठे थे समझो सिर्फ मॉर्निंग का शॉट लेने के लिए तो धीरे धीरे दिखाएंगे चीज़ें कैसे हो रही क्या हो रहा है तो बाकी बस व्लॉग में बने रहो और देखते रहो एक एक चीज़। मतलब क्या होता है ना देखिए आप मूवी देख लेते हो बट आपको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे की एक्चुअल मेहनत हम लोग क्या करते हैं। जो हमारी टीम है ये हमारे सर हमारे जेम को एक्टर है राइजिंग सुपरस्टार है मतलब इस तरीके से कहा जाए तो ठीक है अभी सीख रहे हैं एक्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत तो अभी चलते हैं सीधे सेट पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेसिकली अभी जो शूट करने जा रहे हैं वो क्लाइमेक्स पार्ट है ना तो चलो सीधे सेट पर मिलते हैं। शूटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी लोकेशन। अगर पसंदीदा लोकेशन मिल जाती तो आपका आधा काम तो वहाँ पे हो जाता है जैसे कि अभी जो वृद्धाश्रम का शूट होना है वो हमको यहाँ पर एक लोकेशन मिल रही है और उनका सीन होना है इनका लुक देख लो पूरा ऐसे करके ऐसे कर ये बेसिकली कहानी में इनका वृद्धाश्रम है यहाँ पे भी लगेगा बैनर वगैरह जो चलाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है पूरा शूट का जितना सामान होता है वो यहाँ ऑटो में पहले लगता है उसके बाद जो हमारी शूट लोकेशन होती है वहाँ पर आता है तो वो जो क्लाइमेक्स वाला पार्ट था वो एक्चुअली ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं जो मेन सीन को एकदम स्टार्टिंग से शूट कर और वो दिखाया इसलिए नहीं गया था आप लोगों को क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा नहीं था एक बंदा अगर वो इतनी ज़्यादा हो रही है उसके बाद हम लोग कैसे मतलब पागलों तरह शूट करते जा रहे हो गया जैम हाँ रेडी ऐसी बाइक का कोई फायदा तो है नहीं मेरी बाइक उधर खड़ी है ऐसी बाइक का कोई फायदा नहीं तुमको जाना ऑटो से ही पड़ता शूट का सामान। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अब ये वाला शॉट होगा तो हमारा मिड लेना और आंटी का ये वाला शॉट ले लेना ठीक है हमारे सीन क्या चल रहा है। तो अब क्या होगा कि ये हम इधर इधर खड़े हुए हैं मंशु यहाँ खड़ा हुआ है और ऐसे हम लोग देख रहे हैं पोजीशन समझ के सब लोग क्या होगा मंशु ठीक है अंदर चले जाओ मंशु पोजीशन समझ लो क्या क्या होती है ठीक है हम यहाँ खड़े होंगे मंशु तुम यहाँ खड़े होगा धूप देख रहे हैं थैंक यू आंटी जी तो आपको छुड़ाना है अरे पूरा करी डायरेक्ट क्या वो पूरा करो तुम तो करना है पूरा हाँ वो पूरा करिए हाँ वही चीज है मुझे हंसी आ रही है नहीं हंसना नहीं है हाँ हंसना नहीं उसमें नहीं तो बार बार वही होगा चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना तू भी सुन बेखबर प्यार कर ओ हो प्यार कर वाली सारी गाया कि मैं यहाँ से शुरू ही नहीं कर सका। आई है चांदनी देखने ला 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 प्यार के ओ हो प्यार के जियो यही चाहती कि मैं जितना दब के मुझे जिंदगी जीने को मिले इससे अच्छी चीज़ें होती ना बच्चे फिर कुछ छुपाते नहीं वो सब बताते फिर
जब इनको जैसे मुझसे प्यार हुआ तो इन्होंने बता दिया हमको तुमसे हुआ था, इन्होंने बता दिया मम्मी मुझे बाराबंकी का सबसे हैंडसम लड़का मुझे पसंद आया। तू झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे, सही बता रहे क्या, मुझे बाराबंकी सबसे हैंडसम लड़का पसंद आया। बस तो फिर कैसे, जैसे तैसे इन्होंने कन्विंस किया मम्मी को अपनी की शादी करनी है। फिर मैंने भी हाँ कर दी, मैंने कहा इतना फोर्स कर रहे हो तो और थोड़ा सा बोलो। झूठ क्या बोल रहे हैं, हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ये तुमने मुझे किया था। क्या नमस्ते दादा, बिफोर मैरिज शी यूज्ड टू कॉल मी दादा, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज देखो ये होता है। मेरी तरफ से कुछ नहीं, मेरी तरफ से कोई इंटेंशन बहन वाली नहीं थी, इन्होंने पहले सोचा था कि मैं दादा ही बुलाऊंगी। अरे उसका वो लव स्टोरी का एपिसोड तो अलग से लेके आएंगे, उस पे ही पैसे छापा जाएगा इसी पे। तो हम लोग सुबह 4:30 बजे से शूट कर रहे हैं और अभी बज रहा है 8:30, 9:30 बज गया। और सबकी हालत देख सकते हो, चेहरे पे देखो इनकी हालत देखो कैसी है। इनका तो अलग ही 4 घंटे में बैटरी डाउन हो जाती है। ये 3:30 बजे उठी थी, मैं 4:30 बजे उठा था। तुम बताओ? मैं 5 बजे। और वो देखो, वो देख एक भेंती आदमी लगा हुआ है तब से। कैसा लग रहा है अभी बताओ, कैसा लग रहा है? पिछले कितने घंटे शूट हो रहा है? सुबह से 4:30 बजे से शूट कर रहे हो, 9:30 बज रहा है, कैसा लग रहा है? सकल पे क्या लिखा है? 12। अरे कितने एनर्जेटिक लग रहे हो सच में, वो सॉरी लाइट की वजह से लग रहा है। 12 घंटे से ऊपर हो चुका है, 12 घंटे से ऊपर हो गया। बट हम लोग शूट लगातार, देखो दिक्कत ये है ना कि प्रोजेक्ट आ नहीं पा रहा था, तो अब हम लोग कंटिन्यू शूट शुरू किए तो मतलब बैक टू बैक अभी प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, इसके बाद दो मूवी का शूट होगा, फिर एडिटर हमारा भाग जाएगा तो फिर काम रुक जाएगा। नहीं नहीं काम नहीं रुकेगा, एडिट करके जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है ना, मजाक कर रहे दो कैसे तूने मजाक कर ली, कल ही उसका बर्थडे है, कल ही उसका बर्थडे हुआ, तुम मजाक कैसे एडिटर से कर सकते हो? नहीं हुआ, ये तुमको पता है, बुरा खाना खा के आए हो तुम, वो जल्दी बुरा मान जाता तुमको पता है, तो फिर नहीं जाएगा, फिर अलग से खाई तो नहीं जाएगा केवल, और क्या। हाँ आप ये बता रहे थे ये एडिटिंग किया करता है ये आदमी, तो इनके दरअसल कुछ वर्ड्स होते हैं ना, इनके कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे एडिटिंग नहीं बोल पाते, बढ़िया क्या कहता है, एडिटिंग एडिटिंग ये है ना, एडिटिंग का बढ़िया नहीं बढ़िया बढ़िया है ना, और सिनेमेटोग्राफर अलग हो। तो हां, तो पटना में हम लोगों का हो रहा था, जो वो होता है ना मीडिया वाले आते हैं तो पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इनके पास जब कैमरा आया तो कह रहे हां आप बताइए क्या करते हैं, हम सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटो तब मेरा गला बजा हुआ था ना, बजा हुआ नहीं तभी। और इस आदमी ने खुद कन्फेस किया है यार, हां अगर मीडिया वाले अचानक से आ जाते तो बोल नहीं पाते कि क्या बोलना है, तो इसको 1 साल लग गया सिनेमेटोग्राफर बोलने में। और ये बीच में हम लोगों से ये भी बोला, पहले डायरेक्टर बोलने जा रहा था ना, तो डायरेक्टर ऑफ आगे फोटोग्राफी नहीं, ये मतलब सोच रहे हैं 11 बजे तक लगभग हम लोग शूट करेंगे, तो अब थोड़ा सा मतलब एनर्जी उतनी नहीं बची है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि अच्छा निकल के आए। 2 छोटी क्यों बनाएंगे, क्योंकि मेरा रोल था, वो लोग मूवी देखेंगे तो पता चल जाएगा इन, क्योंकि इनको हर जगह क्यूट बनने का शौक है, ये घर पे भी क्यूट बनेंगी और सेट पे रहेंगी तो भी इनको क्यूट बनने का शौक है, हर बार ये ना लाइफ में कुछ अलग दिखाना चाहती है, तो ये छोटी बच्ची बनने का बहुत शौक है इसमें। एक्चुअली इनका रोल है छोटी बच्ची हो क्या, इसमें इनका रोल है छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं रहते वो ना जो छोटी बच्ची था ना उसको एम्फसाइज करता है, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता, यहीं रहते हैं हम लोग। इधर क्या चल रहा है पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। चल ये रहा है कि टीम में सबसे जो कमजोर आदमी है उसको सबसे तेज बताया जाता है पढ़ने में, कि मतलब आप लोग देखते होंगे कि यही आदमी सबसे तेज होता है टीम में पढ़ने में, और इसी का सिलेक्शन होता है। पहले इसको समझाया जाता है कैसे, चलो दिखाते हैं, पहले इस आदमी को थोड़ा सा समझाया जाता है कि कैसे क्या बोलना है। अच्छा क्या है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अबे यार ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे 2 लगेगा तभी फॉर्मूला, ये मत बोलना ये एम्पलीट्यूड, ये आप पहले फॉर्मूला ए स्क्वायर जस्ट
तुम लोग कुछ आसान बताओ ना मुझे। पहले इनको बताया जाता है कैसे क्या बोलना है, उसके बाद बोलते हैं ये, वो भी सामने वाले से जो इनको सिखाता है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिनट बोलो, फोकस करने तो फिजिक्स नहीं आती मुझे। ये आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, क्योंकि मैं बुक लेके आया हूं। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे डायलॉग क्या बोलना है। ये बोलना है कि इसमें टू गायब है। आपको बोलना ये है कि यार ये तुम्हें रिजल्टेड एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, टू नहीं लगाया है यहां पे। तुम्हें रिजल्टेड एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, टू नहीं लगाया है। टू एवन टू कॉस 5 होगा। टू एवन इनटू ए2 कॉस 5 बोलते हैं। तो हम लोग कितने आज 10 बजे से शूट कर रहे हैं और शूट मतलब ऑलमोस्ट आज खत्म करना है हर हालत में कैसे भी करके। थोड़ा सा कुछ रूही के जो शॉट हैं वो बचेंगे जो आपने मूवी में देखा होगा, इनका जो कैरेक्टर है अभी आप जो देख रहे हो ना, ये आर्ट वर्क की तैयारी हो रही है। हमने अपना पार्ट शूट कर लिया है, अभी बचा है इनका पार्ट और ये जो हमारे नए अक्षर हैं इनका पार्ट। तो अभी क्या डिज़ाइन सेट को फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है कहानी के हिसाब से। तो ये जो पूरा आर्ट वर्क है ये देखो अभी हो रहा है। देखो यहाँ रूही जो है खुद ही आर्ट वर्क कर रही हैं अपना। IIT बॉम्बे सही है, परफेक्ट। तो मौका मिले मतलब IIT बॉम्बे या फिर कोई और, मैं तो नहीं आऊँगा यार, इसको जाना जाओ, मैं पीछे से करूँगा ये नहीं। तो गाइस शूट अभी हो पा, जस्ट थोड़ा सा 1 घंटे का बचा हुआ है। लास्ट सीन है 2-3 और जिसकी अभी ब्रीफिंग चल रही है। आपने कुछ चल सब लगाते हैं, मुझे लगता है दोनों का हुआ होगा सिलेक्ट कर, लेकिन वो भी शादी के बाद के लिए मानी नहीं होगी, इसीलिए आंटी जी से बिना बताए भागते हैं तो ठीक नहीं, क्या तरीका है?